मेरठ में लड़कियों की छेड़छाड़ पर पुलिस नहीं कर रही कार्रवाई, थाने से लेकर कप्तान तक के लगाई गुहार। शिकायत को निस्तारण के नाम पर कप्तान ने कहा कि थाना करेगा इसका निस्तारण। आज एसएसपी ऑफिस आए, क्या मामला? सर हम ना 10 तारीख को मेले में गए थे दशहरे के जेल चुंगी पर, तो मोहल्ले के 6-7 लड़के थे और वहाँ पर हम दोनों बहन गए थे, मैं और मेरी बहन काजल। तो वहाँ पर जाते वक्त मतलब उन लड़कों ने हमारी स्कूटी रोकी और हमें बदतमीजी हमारे साथ करने लगे, गाली देने लगे। माँ बहन की उल्टी सीधी बहुत गंदी गंदी गालियाँ, मतलब बहुत ही ज़्यादा गंदी गाली दे रहे थे कि तुम लोगों को मार देंगे, छोड़ने के लिए जान से मार देंगे और तुम्हारा नामो निशान मिटा देंगे। अच्छा, किस बात को लेकर के आपके साथ में? मतलब उनसे पहले भी झगड़ा हो चुका था भाई के साथ, उन्होंने भाई को पीटा था 2-3 बार पहले, तो तब भी हमने एप्लीकेशन थाने लगाई थी लेकिन वहाँ पे तो हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई, तब तो मामला ख़त्म हो गया था। ये उन्होंने फिर दशहरे में मतलब ये भीड़ देखकर उन्होंने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया। हम दोनों का मेला देखने गए थे जब आपके साथ? जी जी जी। कहाँ का मामला है? जी ये जेल चुंग का है दशहरे के दिन। कौन लोग कहाँ रहते हैं? ये हमारे मोहल्ले के लड़के हैं, अब्दुल्लापुर के। आपने पुलिस को शिकायत करी थाने में? जी। क्या कुछ कार्रवाई करी? कुछ नहीं करा, बस मतलब कि हमने जैसे ये हम घर पर आए तो घर आते वक्त हमने अपना गेट लॉक कर लिया, तो हमारी एक तरफ कमरा है उसमें भैंस बनती है तो उधर का गेट खुला हुआ रहता है, तो उधर को घुसकर ईंट डंडे लेकर घर मतलब घर में तोड़फोड़ करी, मम्मी के कनपट्टी पर तमंचा रखा और बोला अपने बच्चों को बाहर निकाल, नहीं तो तुझे भी जान से मार देंगे। और जब कोई बाहर नहीं आया तो हमारी स्कूटी बाइक सब में मतलब तोड़फोड़ कर दी, बहुत बुरी तरह से स्कूटी तोड़ दी। अपने आज एसएसपी ऑफिस पहुंचे हैं, एसएसपी साहब से शिकायत की, क्या कुछ आश्वासन मिला? बस उन्होंने यही बोला है कि क्या नाम है कि तुम सीओ ऑफिस जाके मिलो, बस बाकी और कुछ नहीं कहा।